एसपी बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर श्री आशुतोष रामलीला समिति गुरुद्वारा रोड द्वारा 11वां श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव का शुभारंभ उद्घाटन किया गया एवं श्री रामलीला का बहुत सुंदर मंचन किया गया। शुक्रवार को आरंभ हुई श्री रामलीला में रावण वेदवती संवाद का बहुत सुंदर मंचन किया गया। श्री रामलीला में स्थानीय कलाकारों मनोज शर्मा ने रावण के रूप में, शिवांश ने नंदी के रूप में, अभिषेक उपाध्याय ने मामा मारीच के रूप में और गौरव चानना ने भगवान शंकर के रूप का बहुत सुंदर अभिनय कर दर्शकों का मन मोह लिया। आज की लीला के निर्देशक जेजू गोसाई एवं जय कालरा रहे। दृश्य निर्देशक राजेंद्र महेंद्र आहूजा रहे। श्री आशुतोष रामलीला समिति गुरुद्वारा रोड सहारनपुर द्वारा आयोजित 11 श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव तक आयोजन किया जाएगा। प्रधान गौरव चौधरी एडवोकेट, मुख्य संयोजक संजय भसीन, रामलीला संयोजक विजय कुमार, महामंत्री राकेश चावड़ा, कोषाध्यक्ष मोहित छाबड़ा, कोषाध्यक्ष गौरव पुरी, सह कोषाध्यक्ष करण मल्होत्रा, प्रबंधक विनय दुगल, दशहरा प्रधान फैशन लिबास नरेश कुमार प्रभु, श्री राम जी के सारथी सरदार गुरुप्रीत सिंह बग्गा, श्री रामलीला प्रबंधक अमित दत्ता, आयोजन प्रमुख हेमंत अरोड़ा, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर एमपी सिंह चावला, सचिव राजन कक्कड़ आदि पदाधिकारी। यदि यही प्रसन्न है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हम तुम्हें अमरता का जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और वरदान मांगो। बदल नहीं सकते हैं, हाँ हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम तुम्हें इस वरदान देते हैं कि 6 माह बाद तुम एक दिन के लिए तथास्तु पुत्र विभीषण तुम भी उठो। कहो प्रणाम मरम के, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो आप मेरे को प्रभु की भक्ति में लीन होने का वरदान प्रदान करें। तथास्तु। बदल नहीं सकते हैं, हाँ हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम तुम्हें इस वरदान देते हैं कि 6 माह बाद तुम एक दिन के लिए तथास्तु प्रणाम के कारण उठो पुत्र कुलकर्ण। हम तुम्हारी भी तपस्या से अति प्रसन्न है, मांगो। आयुष्मान श्रीगंध संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटान सिंह मधुर मंदिर मनिचरित्रिलोलनी
गौरव चौधरी एडवोकेट प्रधान श्री आशुतोष रामलीला समिति। आज उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी समिति द्वारा 11वां श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन था और लीला भी दिखाई जा रही है। रावण विरोधी संवाद, पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना काल चल से रामलीला नहीं हो पाई, इस बार कलाकारों में अलग उत्साह देखने को मिल सकता है? हमारे सहारनपुर में हमारी रामलीला हुई थी, एक दो और रामलीला हुई थी, हमने पिछले साल भी मंचन किया था इस समिति ने, और इस बार भी उत्साह है, पिछले साल भी उत्साह था। रामलीला से आप पब्लिक को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? रामलीला से हमारा यही उद्देश्य है कि जो राम जी के और भरत जी के जो पात्र हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो हमें अपनाने चाहिए।